इस बड़ी ब्लॉक डील ने बिगाड़ी टिमकेन इंडिया की चाल धड़ाम से 11 परसेंट टूट गए शेयर टाटा ग्रुप से है कंपनी का कनेक्शन बेरिंग बनाने वाली टिमकेन इंडिया टिमकेन इंडिया के शेयर आज एक ब्लॉक डील के चलते 11 परसेंट टूट गए यह इसके शेयरों के लिए 28 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट है टिमकेन इंडिया के शेयरों में गिरावट की वजह एक बड़ी ब्लॉक डील रही जानिए किस ईल ने शेयरों की चाल बिगाड़ी है और इस कंपनी का टाटा ग्रुप टाटा ग्रुप से क्या कनेक्शन है बेरिंग बनाने वाली टिमकेन इंडिया टिमकेन इंडिया के शेयरों में आज भारी गिरावट रही इसके शेयर आज इंट्राडे में बीएसई पर 11 फीसदी टूटकर तीन हजार एक सौ दशमलव तीन शून्य रुपए पर आ गए यह इसके लिए पिछले 28 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट है टिमकेन इंडिया के शेयरों में गिरावट की वजह एक बड़ी ब्लॉक डील रही इस ब्लॉक डील के तहत चौरासी दशमलव पाँच लाख इक्विटी शेयरों का लेनदेन रहा जो कंपनी की करीब दस फ़ीसदी हिस्सेदारी के बराबर है यह सौदा करीब दो करोड़ रुपए का रहा इसके चलते शेयर आज भरभराकर गिर गए हालांकि दिन के आखिरी तक यह थोड़ा रिकवर होकर बीएसई पर छह दशमलव सात छह फ़ीसदी की गिरावट के साथ तीन हज़ार दो सौ पचास इंडिया शेयर प्राइस पर बंद हुआ किसने बेचे इतने भारी संख्या में शेयर इस सौदे में बायर्स और सेलर्स का खुलासा तो अभी नहीं हुआ है हालांकि सूत्रों ने सीएनबीसी टीवी 18 को जानकारी दी थी कि इसकी पेरेंट कंपनी टिमकेन सिंगापुर ब्लॉक डील के जरिए तिरसठ लाख शेयर यानी आठ दशमलव तीन फीसदी हिस्सेदारी बेचने वाली है इस सौदे के लिए फ्लोर प्राइस तीन हजार रुपये प्रति शेयर तय था जो सोमवार के क्लोजिंग प्राइस से करीब चौदह फीसदी डिस्काउंट पर था मार्च 2023 हज़ार तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से टिमकेन सिंगापुर की इसमें सड़सठ दशमलव आठ फ़ीसदी हिस्सेदारी है टिमकेन इंडिया के बारे में डिटेल्स टिमकेन इंडिया को उन्नीस में टाटा ग्रुप टाटा ग्रुप की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को और बेरिंग्स की दिग्गज वैश्विक कंपनी टिमकेन के बीच ज्वाइंट वेंचर टाटा टिमकेन के रूप में शुरू किया गया था जमशेदपुर प्लांट में इसने मार्च उन्नीस सौ बानवे से कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया था पहले इस कंपनी में टिस्को की चालीस फीसदी और टिमेकन की चालीस फीसदी और बाकी बीस फीसदी पब्लिक शेयर होल्डिंग थी इसके बाद टिमकेन ने उन्नीस सौ निन्यानवे में टाटा स्टील से टाटा टिमकेन में उसकी हिस्सेदारी खरीद ली और अब इसका नाम टिमकेन इंडिया हो गया यह कंपनी रेलवे इंडस्ट्री और ऑटो सेक्टर के लिए बेरिंगसक कंपोनेंट्स और एक्सेसरीज तैयार करती है इसके अलावा यह मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज और रिफरबिसमेंट सर्विसेज भी मुहैया करती है